फैसल टाउन फेज टू की बैलेटिंग कर दी गई है, ऑनलाइन बैलेटिंग हुई है। आपने बैलेटिंग का रिजल्ट किस तरह से चेक करना है उसका सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं पार्ज़ोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। हमारे इस YouTube चैनल पे हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो टाइमली आप तक पहुँचें और आपको जो है उसके बारे में अपडेट मिलती रहे। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट होता है, अपडेट्स होती हैं, ये आपसे मिस ना हो और आप टाइमली इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज भी हम बात करने वाले हैं फैसल टाउन फेज़ टू के हवाले से, उसकी बैलेटिंग के हवाले से। पीछे मैं कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ, जो बैलेटिंग का क्राइटेरिया था वो भी मैंने आपको बताया कि कितने परसेंट आप जो है वो करेंगे, अमाउंट तो आप कौन सी कैटेगरी में प्लॉट होल्ड कर सकते हैं या आपको प्लॉट नंबर मिलेगा, उसके हवाले से सारी डिटेल आपके साथ शेयर की थी। बैलेटिंग भी जो है वो डिले का शिकार हुई, लेकिन अभी फाइनली जो है वो बैलेटिंग ऑनलाइन कर दी गई है। साइट पर कोई इवेंट नहीं किया गया बैलेटिंग के हवाले से, लेकिन ऑनलाइन जो है वो बैलेटिंग कर दी गई है, क्योंकि ताकि जितने भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ था इस क्राइटेरिया के मुताबिक, जिन्होंने अपना जो है वो पेमेंट्स वगैरह जमा करवाई हुई थी, उनको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, तो इसलिए बैलेटिंग जो है वो ऑनलाइन कर दी गई। और उसमें जो है वो जितने भी लोगों ने क्वालिफाई किया, जितने भी लोगों को प्लॉट नंबर मिला, सबसे पहले तो उनको लिए जो है उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि उनको प्लॉट नंबर जो है उनका लग गया है। और अब उसके बाद जो है बहुत अहम सवाल पूछा जाता है हर बैलेटिंग के बाद, वो यही होता है कि बैलेटिंग का रिज़ल्ट चेक करने का प्रोसेस जो क्या है, वो हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट होता है। फैसल टाउन फेज़ टू का जो है वो उसका क्या प्रोसेस है, आपने किस तरह से अपने प्लॉट की डिटेल चेक करनी है। अगर आपका प्लॉट बैलेट हो गया है तो आपकी प्लॉट की लोकेशन क्या आई है उसके हवाले से मैं आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले आपने अपने जो भी आपका नेटवर्क है मोबाइल का, आपने उसमें SMS के ऑप्शन पे जाना है। सिंपल टेक्स्ट मैसेज जो होता है, कोई WhatsApp या दूसरा आपने एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी है, सिंपल जो SMS का होता है आपने वहाँ पे जाना है। SMS में आपने उसको ओपन करना है और उसके ऊपर आपने जो लिखना है वो ये FT फैसल टाउन, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपकी फ़ाइल के ऊपर आपका मेंशन होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपने वहाँ पे उस पर लिख देना है। उसके बाद डैश का स्पेस आपने डालना है और उसके बाद जो है वो आपने टू उसके आगे जो है वो डाल देना है। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा। सिंपल इसी तरह से आपने SMS में जाके इसको राइट करना है और SMS जो है वो आपने 99095 के ऊपर आपने इसको सेंड कर देना है। तो उसके बाद आपको सोसाइटी की तरफ से जो है वो एक SMS उसका रिप्लाई में मौसूल हो जाएगा, जिसके अंदर आपके सारे प्लॉट की डिटेल्स होंगी कि आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सी लोकेशन आपके प्लॉट की आपको अलॉट की गई है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बड़े आराम से आप जो है वो अपनी बैलेटिंग का रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ डिटेल्स थी बैलेटिंग के हवाले से और रिज़ल्ट किस तरह से चेक करना है उसके हवाले से, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद इसके बारे में जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।